जैसा कि आप देख सकते हैं नाजी, यहाँ पर जो है दुकानें कुछ खाली है, यहाँ पर दुकानें भी लगे हुए नहीं है। टमाटर महंगा होने की वजह से कि जो है दुकानें काफी खाली दिख रहे हैं। यहाँ पर जो है टमाटर महंगा हो गया एक तो, दूसरी बार ये कि जो है बारिश की वजह से यहाँ पर मंडी में आज हफ्ते का दिन है जबकि मंडी फुल होनी चाहिए, उसके बावजूद यहाँ पर मंडी खाली नजर आ रही है आज। जो कि टमाटर का कोई नजर नहीं आ रही, कोई दुकान नजर नहीं आ रही, इसकी वजह है टमाटरों की कीमत में बढ़ोतरी। टमाटर महंगा होने की वजह से आवाम कम नजर आ रही है। चलिए बताते हैं और भी कुछ ऐसी जगह है जो दुकानें खाली हैं, आवाम से भी कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जो है टमाटरों में कितनी महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल, तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ में आपका स्वागत करते हैं। आज हम रेतु बाजार में यहाँ पर आए हुए हैं, मेरे साथ यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, यहाँ के जो इंचार्ज है, यहाँ के जो सरबरा है, आज हम उससे खास मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। जो खास तौर से जो टमाटे के ताल्लुक से हम बात करने के लिए आए हुए हैं, टमाटर जो महंगा हो गया और उनकी जगह, और यहाँ पर देखा गया, अभी देखा गया कि जो है 71 रुपीज किलो यहाँ पर मिल रहा है टमाटर खासतौर से। और हम ये भी देखें कि हम मार्केट में सर्वे करें 120-140 ये रेट चल रहा है, तो इसकी वजह क्या है, लोगों के पास इतना महंगा क्यों, यहाँ पर इतना सस्ता क्यों, इसका ताल्लुक से कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजीबुद्दीन अहमद खान है जी, पलकमा रहते बाजार स्टेट ऑफिसर जी। स्टेट ऑफिसर है आप यहाँ के जी। सर ये बताइए, टमाटो का जो वलवला चला है महीने से, इसके ताल्लुक से आप क्या क्या कहना है, क्या वजह है कि जो है टमाटो का रेट बढ़ रहा है? जी, ये क्या है बोलते, बारिश के सीजन में हर साल होता है, क्रॉप डैमेज होता है, इसकी वजह से रेट बढ़ता है जी। और क्या है बोलते, हर साल गर्मा के खत्म पे भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होके उसकी वजह से भी रेट बढ़ता है। एवरी ईयर ये कॉमन है कि टमाटर का रेट राइज होता है, मगर ये साल ज्यादा हो गया है, ओवरऑल इंडिया में राइज हुआ, फिर भी शुगर है कि तेलंगाना में उसका इफेक्ट बहुत बाद में हुआ। और आज जो बाहर जो 120-140 रुपीज केजी जो बिक रहा है टमाटर, वो ट्रेडर्स की तरफ से लाके बेच रहे हैं, वेंडर्स, लोकल वेंडर्स बेच रहे हैं। वेरा इस रायतू बाजार में तो जेन्युइन फार्मर्स लेके आते हैं, वो लोग खुद कल्टीवेट करके लाके डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करते हैं, इसलिए हमारे रेट पे वो लोग बेचते हैं। और वो हमारा जितने भी कंसर्न मंडल्स या विलेजेस से टमाटर आ रहा है, सफिशियंट हो जा रहा है, मैक्सिमम कंज्यूमर को मिल जा रहा है समझिए टमाटर जी। और आज 71 है, यस्टरडे 63 था जी। और मैं इससे तकरीबन पलकनुमा रेतु बाजार के कंज्यूमर बेनिफिट हो चुके हैं, बेनिफिट ले रहे हैं जी। और आगे भी वैसी बेनिफिट करेंगे हम। और जितने भी लोकल रेतु आ रहे हैं, वो लोग का इंटेंशन ये है कि भाई हर साल हम यहीं आके, हर दिन यहीं आके हम जैसो हमने प्रोडक्शन को जो भी है सेल करते हैं जी। वैसे हम ये टाइम भी लेस प्राइस में बेनिफिट ज्यादा नहीं लेके भी हम कंज्यूमर को बेनिफिट करेंगे, बल्कि वो इंटेंशन से भी रायतू, लोकल रायतू जितने भी है रायतू बाजार पा रहे हैं, वो इंटेंशन भी से भी आके आगे बढ़ के बेच रहे हैं जी। सर ये भी देखा जाए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो है बाजार लग रहा है जी, रायतू बाजार बोलते हैं नाम से जी, बाजार लग रहा है, वहाँ पर भी रेट जो है आसमान को छू रहे हैं, आवाम इससे काफी परेशान है। टमाटर एक ऐसी चीज है, उसके बगैर कोई चीज बनती नहीं, उसको लेना बहुत जरूरी है, तो ये मजबूर हो गए लोग के जो है दिन में जो है 100-200 रुपए कमाने वाला टमाटे खाएंगे या क्या खाएंगे, इसके तौर से क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करता हूँ कि गली गली में जो मार्केट्स लग रहे हैं वो रायतू बाजार नहीं है, रायतू बाजार इन द सेंस रायतू ही आके बेचता है, एज ए फार्मर ही आके रायतू बाजार में बेचता है। ये जो वीकली मार्केट जो चल रहे हैं हर कॉलोनी में या स्ट्रीट्स में जो भी चल रहे हैं, वो लोग क्या है, वो लोग ट्रेडर्स करने से खरीद के लाके आप लोग को सेल कर रहे हैं, और वो लोग ट्रेडर्स करने जब महंगा खरीद रहे हैं तो आप लोग को महंगा ही बेचेंगे, वो लोग कोई कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बड़े होलसेल मार्केट से पिक करके लाके आपके पास सेल कर रहे हैं, वो लोकल वेंडर्स रहते हैं, वो लोग को लोकल वेंडर्स ही कहते हैं। और उन लोग भी, उन लोग के हाथ में भी नहीं है प्राइजेस का जो, सो ये तो ओवरऑल पूरा नेशनल वाइज प्रॉब्लम चल रहा है टमाटो का जी, क्योंकि एक तो रेनी सीजन में क्रॉप डैमेज हो जाता है जी, ओके, क्रॉप डैमेज होने से, डिमांड ज्यादा रहने, सप्लाई कम रहने से हुआ, एनी हाउ रेट तो बढ़ने वाला है, वो ये साल जरा ज्यादा ही हो गया है,
फिर भी हमारे कंसर्न रायतू बाजार को जितने भी लोकल विलेजेस मंडल्स लग रहे हैं वहाँ से जितने भी रायतू आ रहे हैं मैक्सिमम वो लोग यहाँ आके कम में सेल कर रहे हैं कि तकरीबन कंज्यूमर्स को बेनिफिट उठा रहे हैं इस चीज़ का। सर ये देखा गया कि जो यहाँ पे पुरानी हवेली में है वहाँ पर भी मंडी है, वहाँ पर भी 120-130 चल रहा है, यहाँ पर 71 रुपये किलो टमाटे मिल रहा है, इसकी वजह। और मैं ऑलरेडी आपको बोला है ना कि लोकल रायतू जितने भी यहाँ पे बेनिफिट उठा चुके हैं मीन्स लोकल रायतू वो लोग डायरेक्ट कल्टीवेट करते हैं, वो लोग का प्रोडक्शन ला रहे हैं, उन लोगों को रेट से कंसर्न नहीं रहता, वो लोग को ये रहता कि भाई लोग कल्टीवेशन जो भी रहेंगे वो लोग लाएंगे, जो प्रोडक्ट लाएंगे वो सेल आउट करना है, और वो लोग ये यहाँ से बेनिफिट ज़्यादा ले चुके हैं और वो लोग यहाँ के रायतू बाजार को एडिक्ट हो चुके हैं, वो लोग यहीं आके बेचते हैं, जितने भी कंज्यूमर्स यहाँ पे आते हैं रायतू बाजार को वो लोग से भी ज़्यादा जान पहचान रहती है, और वो लोग को खुशी भी होती है कि भाई कंज्यूमर को जितना भी हो सके हम फैसिलिटीज दिए, बेनिफिट्स दिए, और वो लोग टमाटे को जो रेट हम जो डिसाइड कर रहे हैं वही रेट पे बेच रहे हैं, यानी कि वो लोग के साइड से वो लोग बेनिफिट देना चाह रहे हैं कंज्यूमर को। तो नाज़िम ये थे मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब, यहाँ के जो ऑफिसर है, यहाँ के रितु बाजार ऑफिसर है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हम ऐसे ही दिलचस्प आपको प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।